दिल्ली में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी एसओपी एक नई जारी की है, क्या कुछ उसमें है ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। हालांकि अभी छात्रों की क्लासेस नहीं शुरू की गई हैं, लेकिन छात्र बोर्ड परीक्षा से जुड़े काम, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल्स के लिए आ जा सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी में स्कूलों, छात्रों, अध्यापकों, छात्रों के अभिभावकों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी जिसे बुखार है या कोरोना के लक्षण हैं, उसको स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्कूल के गेट पर ही सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्कूल, लैब और क्लासरूम के गेट पर सैनिटाइजेशन रखना जरूरी होगा। साथ ही सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए राहत वाली खबर है। विदेशी नागरिक भी भारत में कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी अब कोरोना वायरस का टीका लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के लिए विदेशी नागरिकों को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दे दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए विदेशी नागरिकों को बतौर आईडी अपने पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल करना होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट मिल जाएगा। आपको बता दें कि देश में अभी तक विदेशी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं थी। देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 51 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।